राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में ई पास की वजह से उनके अपने ही हो गए हैं बेगाने। जामताड़ा कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने इसे उचित नहीं मानते, जिसकी वजह से वो अपने सहयोगी पार्टी के मुख्यमंत्री से खफा हैं और ई पास को अभिलंब बंद कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि डायनेमिक सीएम साहब, मैं आपका ध्यान लॉकडाउन में ई पास की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि राज्य में ई पास अभिलंब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोग सबके इच्छा से ही अपने घरों के अंदर सीमित है। सबसे अहम बात यह है कि हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, इस वजह से ई पास लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनता को पुलिस के द्वारा पिटाना और अवैध वसूली की शिकायतें भी आ रही है। कृपया आपसे आग्रह है कि राज्य के अंदर के लोगों के लिए इसे त्वरित बंद कर दिया जाए, ताकि हम अपनी जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दे सके। राज्य सरकार ने जो ई पास लागू करने का निर्णय लिया है, मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं राज्य सरकार के डायनेमिक मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी से मैं मांग करता हूँ कि ई पास जो आप लोगों ने लागू किया है उसको अति शीघ्र इसको रद्द कर दिया जाए। ई पास के कारण आज हमारी जनता को पुलिस मार रही है, दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, आवागमन पुलिस के बल पर सक्सेस नहीं हो सकता है। जब लोग स्वतः ही बंद हैं, स्वेच्छा से घर से नहीं निकल रहे हैं, तो उसके बाद ये कानून जो है लागू कर दिया गया है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं दोबारा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा इस पर पूर्ण विचार करें और ई पास जो है रद्द कर दिया जाए। ये हमें लगता है कि राज्य हित में होगा और जनता के हित में होगा।